हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल चेस स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास टेंथ के जो एक्सरसाइज 4.3 है उसका 7th, 8th, and 9th क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं 7th क्वेश्चन के बारे में बता दूं आपको। इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स हैं उनके स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटे नंबर का जो स्क्वेयर है वो बड़े नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। तो फाइंड द टू नंबर्स, हमने दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर को लेट कर लेंगे। लेट जो लार्जर नंबर है उसको हम मान लेंगे x, एंड जो स्मॉलर नंबर है उसको हम मान लेंगे y। तो अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट कंडीशन है, जो पहली कंडीशन इसमें उन्होंने दे रखी है, वो क्या दी हुई है, वो उन्होंने दी हुई है कि दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस। तो बड़े नंबर के स्केयर में से छोटे नंबर का स्केयर जब माइनस करोगे तो ये डिफरेंस आ गया, और ये दिया हुआ है हमको उन्होंने 100 दे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको। और अकॉर्डिंग टू जो सेकेंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या दिया हुआ है कि छोटे नंबर का स्केयर मतलब वाई का स्केयर इज इक्वल टू बड़े नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, मीन्स वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x है। यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x स्केयर है, वो तो पहले ही बड़ा है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x स्केयर ले लेते हैं। तो ये हमारी जो ये वाला रिलेशन बना, ये हम कहाँ पर पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली में पुट कर देंगे। पुट वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट करोगे एक्स स्केयर एज इट इज माइनस वाई स्केयर है, तो वाई स्केयर की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 8x इज इक्वल टू में क्या है 180 है। तो वहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्केयर माइनस 8x, ये जो 180 है वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो अभी मैं फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मिडल टर्म हमारे पास 8 है, मीन्स प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 180, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस का 18x और प्लस का हो जाएगा 10x, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों टर्म में से हमारा x कॉमन आ जाएगा, बचेगा वहाँ पे क्या x, और माइनस का 18 बच जाएगा। लास्ट की दोनों टर्म में से हम 10 कॉमन निकाल लेंगे और बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट हमारी सेम बन गई, x माइनस 18, तो एक तो वही फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बारी बारी दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और डाल के एक्स प्लस 10 जो है वो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 18 आ गई और यहाँ से दूसरे वाले फैक्टर से x की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। तो अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव भी हो तो सकते हैं, बट ये करेंगे क्या हम, सेकंड इक्वेशन जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट करके देखेंगे। तो वाई स्केयर 8x के इक्वल है, मीन्स 8 into 18, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 64, 6 carry 8 1 8, और तो 6 ऐड करोगे तो 144। तो वहाँ से y इज इक्वल टू रूट में 144, मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो ये तो इससे तो मीन्स दोनों हमारे नंबर्स फाइंड हो गए कि अगर एक नंबर जो लार्जर नंबर है वो 18 है तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी हम ये दूसरे वाले से करके देखते हैं। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, जब आप माइनस 10 करोगे क्योंकि x की वैल्यू अभी माइनस 10 है, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 80 आ गया। बट परफेक्ट स्केयर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मीन्स वाई स्केयर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वाई स्केयर है, मीन्स परफेक्ट स्केयर है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारे जो नंबर्स हैं, जो रिक्वायर्ड नंबर्स आए हमारे पास, वो कौन कौन से आ गए, उनमें से एक हमारा 12 आ गया,
और दूसरा क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया। तो ये दोनों नंबर्स हमारे रिक्वायर्ड हैं, मीन जो उन्होंने कंडीशन बताई थी उन कंडीशंस को जब हमने अप्लाई किया तो ये वाले हमारे दोनों जो नंबर्स हैं वो आंसर आए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 8th वाला, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर जाती है यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसने एक घंटा कम लेना था, तो हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो पहले तो हम जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उसको लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर। जो डिस्टेंस है वो उन्होंने दे रखा है हमको कितना 360 किलोमीटर। तो जो टाइम टेकन होगा उसको हम, ये क्योंकि पहली कंडीशन वाला टाइम टेकन है तो इसको मैं T1 मान लेता हूँ। अभी टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 360 है और स्पीड हमारी एक्स है, तो ये हो गया टाइम। तो अभी जो न्यू स्पीड है या फिर इंक्रीज्ड स्पीड भी लिख सकते हो, न्यू स्पीड भी लिख सकते हो, जो उन्होंने सेकंड कंडीशन में बता रखी है वो उन्होंने बता रखी है अगर इससे 5 किलोमीटर पर आर ज़्यादा होती तो कितनी होती, फिर एक्स प्लस 5 होती किलोमीटर पर आर। तो अभी जो हमारा टाइम आएगा जिसको हम टाइम T2 ले लेंगे, तो वो 360 अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5 आ, क्योंकि बाद में देखो स्पीड इंक्रीज हो गई है तो टाइम मीन्स सेकंड कंडीशन वाला कम होगा, तो पहली कंडीशन वाला टाइम हमारा ज़्यादा है। तो इट मीन्स पहली कंडीशन के टाइम और सेकंड कंडीशन के टाइम का डिफरेंस उन्होंने हमें बता रखा है कितना है, 1 आवर है, जो कि उन्होंने बताया था कि अगर स्पीड इतनी ज़्यादा होती तो एक घंटा उसने कम लेना था। तो पहले वाले टाइम में से बाद वाला टाइम हम माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। 360 आप इनमें से कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के अपॉन में एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अभी जो ब्रैकेट के अंदर है उनका हम ले लेंगे एलसीएम, तो 360 एज इट इज़, वो ब्रैकेट वाले दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स और एक्स प्लस 5 की प्रोडक्ट हो जाएगी, और एक्स प्लस 5 हमारा इस तरफ वाले 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स प्लस 5 ही आ जाएगा, और ये वाले 1 से हमारा एक्स मल्टीप्लाई होके, क्योंकि माइनस का साइन है आगे, तो माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो गया, 360 और 5 दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और अपॉन में ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1, वहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अभी हमने क्या करना है, ये 1800 को भी उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये उस तरफ जाके माइनस का 1800 हो जाएगा, और क्योंकि इसको उस तरफ ले गए हैं तो वहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अभी अगेन मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए करके दिखा रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन में बच्चों को थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम आती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो आपने वैल्यूज ही पुट करनी है, तो उससे तो मुझे लगता है आप कर पाओगे, तो इसीलिए मैं इसी से करके दिखा रहा हूँ। तो अभी इसके फैक्टर्स अगर आप बनाओगे तो वो प्लस का 45x और माइनस का 40x बनेंगे, जिनकी प्रोडक्ट माइनस का 1800 बनेगी, और उनको माइनस करके हमारा 5 आए। तो पहले दोनों में से अगर आप कॉमन निकालोगे तो x कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में x प्लस 45 बचेगा, लास्ट के दोनों में से 40 कॉमन, अगेन x प्लस 45 बच जाएगा हमारा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स बने वो एक तो x प्लस 45 बन गया, और जो दूसरा है वो x माइनस 40 बन गया इज इक्वल टू 0। तो बारी बारी दोनों को हम 0 के 1 को रखेंगे, जैसे कि हम फैक्टर्स वाले सभी क्वेश्चंस में कर रहे हैं, मींस क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल
रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से अगर कोई फैक्टर एक जीरो बनेगा तभी सारी प्रोडक्ट जीरो बनेगी। तो यहाँ से 45 को जब उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 45, और ये माइनस 40 को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस का 40। तो अभी आप सबको पता है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट मीन जो स्पीड ऑफ ट्रेन है उसका आप रीज़न लिख सकते हो रिजेक्टेड लिख के, बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, या रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है, या ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है हमारे पास, वो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर, जो हमने शुरू में इसको x माना था, तो x की वैल्यू हमारी 40 आई है, क्योंकि माइनस 45 हमारी रिजेक्ट हो गई है, तो इसीलिए ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्होंने बोला कि टू टैप्स वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दो टैप्स कहते हैं अगर इकट्ठी चला दी जाए तो वो 9 3/8 आवर्स, जिसको अगर मिक्सड फ्रैक्शन को ख़त्म करोगे तो 75/8 आवर्स में वो फिल कर देती है, दोनों इकट्ठी अगर चलती हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। कहते कि जो बड़े डायमीटर वाली टैप है वो छोटे डायमीटर वाली टैप से 10 घंटे कम लेती है, अगर दोनों को अलग अलग चला के चेक किया जाए कि पहले वाली कितनी में फिल करती है और दूसरे वाली कितने टाइम में फिल करती है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों अलग अलग कितने टाइम में फिल करेंगी उस टैंक को, वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, छोटे वाला डायमीटर जिसका है, स्मॉलर डायमीटर वाली जो टैप है उसका टाइम हम लेट करेंगे कितना, एक्स आवर्स, और फिर ऐसे ही जो हमारा टाइम टेकन, मैं जहाँ पे डॉट डॉट ही लगा रहा हूँ क्योंकि वही चलना है, हाँ, सिर्फ वहाँ हमारा स्मॉलर की जगह पे कौन सा क्या आ जाएगा, लार्जर डायमीटर आ जाएगा। लार्जर मैंने डी लिख दिया, लार्जर डी मीन्स डायमीटर, तो वो कितना लेगी, एक्स माइनस 10 आवर्स लेगी, क्योंकि उससे 10 घंटे इसने कम लेने हैं। तो अभी देखो, आपको शायद वेरिएबल में थोड़ा कम पता चले, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। अगर कोई टैप 4 घंटे में पूरा टैंक फिल कर रही है, 4 घंटे में पूरा फिल कर रही है, तो 1 घंटे में वो कितना फिल करेगी, उसका 1/4 करेगी ना पूरे वॉल्यूम का। अगर 3 आवर्स में कर रही है तो 1 घंटे में 1/3 करेगी। तो इसीलिए हमारी ये जो टैप जो एक्स आवर्स लेती है उसको पूरा फिल करने के लिए, वो 1 घंटे में कितना फिल कर पाएगी, 1 घंटे में वो फिल कर पाएगी 1/x। तो 1 घंटे में इसने 1/x फिल कर दिया, और जो दूसरे वाली है वो 1 घंटे में 1/x-10 फिल करेगी। जो टोटल टाइम टेकन है दोनों के द्वारा, वैसे तो आप पूरा लिखना चाहिए कि टाइम टेकन टुगेदर, वो है 9 3/8 आवर्स, जो कि मिक्सड फ्रैक्शन ख़त्म करने के बाद 75/8 आवर्स आ जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे ना, पहले वाली ने 1 घंटे में कितना फिल किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले मैं जहाँ पे लिख देता हूँ, पहले वाली ने 1 घंटे में किया 1/x, दूसरे वाली ने 1 घंटे में कितना फिल किया, 1/x-10। ये दोनों ने मिल के 1 घंटे में फिल किया, दोनों ने मिल के इतने घंटों में अगर सारे टैंक को फिल किया है तो 1 घंटे में 1/ ये हो जाएगा, मीन्स एक तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो कि कितना हो जाएगा, 8/75। तो अभी क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, इस तरफ एलसीएम लोगे तो एक्स और एक्स माइनस 10 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऊपर पहले एक्स माइनस 10 पहले वाले 1 से मल्टीप्लाई, फिर ये वाला जो एक्स है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 8/75। तो एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x आ गया, माइनस में 10, नीचे अगर आप देखोगे तो x का स्क्वायर मीन्स ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75 को 2x से करोगे तो 150x माइनस का 750, 10 से मल्टीप्लाई करने से इज इक्वल टू 8x स्क्वायर और माइनस का 80x। तो अभी हमने क्या करना है, इनको भी उस तरफ ही ले जाएंगे, तो यहाँ पे तो जीरो ही बच गया, उस तरफ हमारा 8x² - 80x
ये जो 150x है ये उस तरफ लेके जाओगे तो ये भी उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो 750 है वो हो जाएगा प्लस का। तो अभी हमारे पास बचा क्या, 8x2। ये दोनों क्योंकि नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, मीन्स माइनस का 230x आ जाएगा और प्लस का 750 = 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये तीनों की तीनों टर्म्स हमारी 2 पे डिवाइड हो रही हैं, तो अगर आपकी सारी टर्म्स किसी नंबर पे डिवाइड हो रही हों तो डिवाइड कर देना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और कम हो जाए। तो ये 4x² माइनस 115x और प्लस में 375 रह जाएगा 2 से डिवाइड करने से = 0। तो अभी 4 को अगर आप 375 से मल्टीप्लाई करोगे ना वो आएगा 1500, मीन्स प्रोडक्ट में 1500 चाहिए और मिडल में क्या है 115 है, मीन्स ऐड करके 115 चाहिए। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, मीन्स मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो माइनस का 100x आ जाएगा, एक तो एक आ जाएगा माइनस का 15x और प्लस का 375 = 0। तो पहली दोनों टर्म में से हमारा 4x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस 25। लास्ट की दोनों में से माइनस का 15 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में अगेन x माइनस 25 बच जाएगा = 0। तो हमारे जो फैक्टर्स बने, पहला बन गया x माइनस 25 क्योंकि दोनों ब्रैकेट में यही बना हुआ है, और दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा बनेगा, 4x माइनस 15 जो कि दोनों ब्रैकेट के बाहर टर्म्स होती हैं उनसे बनता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी जीरो के इक्वल रखेंगे और डाल के 4x माइनस 15 को भी = 0 रख लेंगे। तो यहाँ से तो सीधा x = आपका 25 आ जाएगा और इसमें से 15 पहले उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बाद में 4 उसको करेगा डिवाइड। तो अभी देखो x की दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव तो आ गई हैं, पर अभी हमने चेक करना है कि क्या ये दूसरी टैब के लिए भी पॉजिटिव टाइम आएगा। अगर वो नेगेटिव टाइम आ गया तो फिर मीन्स ये इनमें से कोई वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो अभी अगर x हमारा 25 है तो टाइम टेकन बाय फर्स्ट टैब जो है या स्मॉलर टैब जो है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब या टैब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, वो क्योंकि x माना था तो 25 आवर्स हो गया, और टाइम टेकन बाय जो लार्जर टैब है, यहाँ पे लार्जर आ जाएगा, लार्जर टैब वो x माइनस 10 था तो मीन्स 25 माइनस 10 आवर्स, मीन्स एक तरह से कितना हो गया, 15 आवर्स हो गया, मीन्स जो बड़े डायमीटर वाली टैब है वो 15 आवर्स में उसको फिल कर देती है। तो अगर हम x की वैल्यू को 15/4 लेते हैं तो पहले वाली का तो आ जाएगा टाइम टेकन बाय, आप साइड में करके दिखा सकते हो, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब = 15/4 आवर्स ही आ जाएगा क्योंकि वो x था, और जो टाइम टेकन बाय लार्जर टैब है वो क्योंकि x माइनस 10 है तो 15/4 माइनस 10 आवर्स, और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 15 माइनस 10 से 4 करोगे मल्टीप्लाई तो 40 आ जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 25/4 आवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव हमारा टाइम आ गया लार्जर डायमीटर वाली टैब के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम टेकन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इट मीन्स ये वाली एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये वाले दो आंसर्स ही हमारे बनेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर जो है वो 25 आवर्स आ जाएगा और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप जो है वो 15 आवर्स आ जाएगा। तो होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट है किसी क्वेश्चन की तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन की वीडियो हमें चाहिए, हमने समझना है। और अगर आपके छोटे ब्रदर सिस्टर या रिलेटिव्स 8th और 9th क्लास में, या आपके कोई फ्रेंड 10th में भी हैं तो उनको भी आप ज़रूर हमारा चैनल शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियोज़ देख के इनका फ़ायदा ले सकें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अवर चैनल.